हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का पहला का चौथा नंबर और पांचवा नंबर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो था सवाल, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चौथा नंबर देखते हैं, इसका भी पांचवा देखेंगे। तो चौथा नंबर 0.02x + 0.3y = 1.3, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y = 2.3, ये दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल करने से पहले हम जो है इन पर गौर करें, ये दशमलव संख्या में सब गुणांक दिए हुए हैं, अतः दशमलव संख्या में हल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी जोड़ने घटाने में। तो एक काम करते हैं, दशमलव संख्या को हम हटाने की कोशिश करें। तो दशमलव की संख्या कैसे हटेगी, यदि हम इसमें 10 का गुणा करा देंगे दोनों समीकरणों में, तो दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा कराने में 10 यानी एक अंक खिसक जाएगा दाईं ओर और दशमलव फिनिश भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यही करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक व दो में 10 का गुणा कराने पर, 10 का गुणा कराएंगे क्या आएगा, 2x, इसमें कराएंगे तो 3y, इसमें कराएंगे तो 13। समीकरण 3 मान लीजिए, इसे इसमें गुणा कराएंगे 4x + 5y = 23। समीकरण 4 मान लीजिए, इसे दशमलव संख्या फिनिश हो गई, दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, 2.0 हो जाएगा, तो 2 ही समझिए उसको। तो 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। अब लिखेंगे समीकरण तीन से तो 2x + 3y = 13, तो इसमें एक चरपद बचा लेना है, बाकी सब पक्षांतर कर देना है। तो पहले 2x बचाएं, 3y उधर भेज दें, तो 13 - 3y - 3y चला जाएगा, ये दो गुणा में है तो बटा में चला जाएगा, तो 3 - 13y / 2। इसको समीकरण 5 मान लिया जाए। अब समीकरण 4 में x का मान रखने पर, क्योंकि जिससे प्राप्त किए हैं उसमें हम नहीं रखेंगे, नहीं तो चार पद कट जाएंगे। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, पहले उतार लेते हैं समीकरण 4, 4x + 5y = 23। तो 4 कोष्ठक में रखेंगे, क्योंकि दो पद हैं इसमें, 11 - 3y / 2 और +5y = 23। 2 से 4 काट दीजिए, 2 + 1 = 2, 2 × 4, ये 2 का गुणा करा दीजिए, तो 2 का 13 कराएंगे 26 और 2 का 3 कराएंगे तो 2 × 3 = 6y और +5y = 23। 26 को 23 की तरफ भेज देंगे तो घट जाएगा, तो -6y + 5y = 23, -26, ये दोनों घटेंगे अलग अलग चिन्ह के हैं, तो -y आएगा 1y, 1 लिखा नहीं जाएगा, 6y से 5y घटाएंगे, 1y, 1 लिखा नहीं जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस के, और फिर ये दोनों घटाएंगे तो 26 और 23 गए 3 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस के हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, तो y = 3। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 उतार लेंगे, पहले हम x = 13 - 3y / 2, तो 3 रखना है इसमें, तो x = 13 - 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और y के बीच गुणा है, y का मान 3 रखती है / 2। अब 13 ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 2 13 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो x = 4/2, 2 से काट देंगे, 2 + 1 = 2, 2 × 4, तो x = 2। तो लिखेंगे अतः x = 2 y = 3।
आंसर। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर जीरो और रूट तीन एक्स माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। तो इसको हम समीकरण एक मानेंगे। समीकरण दो, समीकरण एक से तो रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर जीरो, तो रूट दो एक्स बराबर माइनस का रूट तीन वाई हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस का रूट तीन वाई बटा रूट दो। समीकरण इसे हम तीन मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो उतार लीजिए, रूट तीन एक्स रूट आठ वाई बराबर जीरो, तो रूट तीन गुणे एक्स का मान माइनस रूट तीन वाई बटा रूट दो, फिर माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। मान रख दिए रूट तीन का इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, और रूट तीन का रूट तीन करेंगे तो तीन आएगा, क्योंकि रूट तीन रूट नौ होगा और रूट नौ का आंसर जो है तीन आएगा, क्योंकि नौ का वर्गमूल तीन होता है। और वाई बटा रूट दो माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो, इसका बटा एक मान के लासा ले लेते हैं, तो रूट दो एक का लासा कितना होगा, रूट दो, रूट दो रूट दो का भाग करेंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे तो माइनस का तीन वाई, एक का रूट तीन रूट दो में, एक का रूट दो में भाग देंगे तो रूट दो आएगा, गुणा कराएंगे रूट आठ में तो रूट सोलह हो जाएगा, क्योंकि आठ सोलह दोनों रूट की संख्या है इसलिए दोनों अंदर गुणा हो जाएंगे, तो दो आठ है सोलह और बराबर जीरो। माइनस तीन वाई, ये सोलह का वर्गमूल कितना होगा चार, यहाँ वाई लगेगा, अच्छा वाई है चार वाई बराबर जीरो, गुणा में रूट दो चला जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का सात वाई हो जाएगा, माइनस तीन में माइनस चार वाई दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का सात वाई, और इधर जीरो को रूट दो में कराएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वाई बराबर जीरो बटा माइनस सात, माइनस सात भाग जीरो में देंगे तो जीरो ही आएगा, तो वाई बराबर जीरो आ गया। अब वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन उतार लेते हैं, एक्स बराबर माइनस रूट तीन वाई बटा रूट दो, एक्स बराबर माइनस रूट तीन गुणा है बीच में गुणा जीरो, वाई वन जीरो आया है और बटा रूट दो, रूट तीन का जीरो गुणा कराएंगे कितना आएगा, जीरो आएगा, तो एक्स बराबर जीरो बटा रूट दो, और रूट दो का जीरो हम कराएंगे गुणा भाग कराएंगे तो जीरो आएगा, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो आंसर, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो मान आया इस समीकरण का। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो देख करके लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।